अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज हम क्लास फोर्थ का एक्सरसाइज 6B करेंगे। एक्सरसाइज 6B में है आपको मल्टीप्लाई। देखिए पहला क्वेश्चन है आपको मल्टीप्लाई में टू डिजिट्स का है। ए पार्ट देखिए, 83 मल्टीपल बाय 17। इसको मल्टीप्लाई करना है तो पहले 7 से करना है। 7 3 20, 2 केरी 1 नीचे, 7 8 56 57 58। ये हो गया 7 से। अब हम 1 से करेंगे तो इसके नीचे हमें क्रॉस लगाना है या कुछ नहीं लिखना है, तो हमें 10 के नीचे से करना है। क्यों लिखना है? क्योंकि हमें अब 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 3 3 1 8 8। अब इन दोनों को हमें प्लस करना है। देखिए यहाँ 1 के नीचे कुछ नहीं, 1 8 9 10 11, 1 केरी, 8 9 10 11 12 13, प्लस 1 14, 1411 आ गया इसका आंसर। और अब आप देखिए इसमें 3 डिजिट्स को 123 मल्टीपल बाय 11। देखिए अब 3 डिजिट्स को हमने किया है 2 डिजिट से, तो 1 3 3 1 2 2 1 1 1। अब दूसरे नेक्स्ट वन से 1 3 3 1 2 2 1 1 1। अब देखिए प्लस करना है इसको, 3 3 प्लस 2 5 2 प्लस 1 3, और ये 1। देखिए बच्चों इस तरह से आपको मल्टीप्लाई करना है। अब आपको मैं इसमें दिखाऊंगी आपको 3 डिजिट्स से किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें आप देखिए 142 मल्टीपल बाय 320। ये देखिए 0 2 0 0 4 0 0 1 0, क्योंकि मल्टीप्लाई जो है 0 से जिस नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं उसका आंसर 0 ही आ जाता है। अब हम 2 से करेंगे, 2 2 4 2 4 8 2 1 2। अब हम इसमें दो, पहले दो को छोड़ के करेंगे। क्यों? क्योंकि 1 से जब करते हैं तो हमने सीधे लिखा, 10 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 के नीचे से ही हम लिखते हैं आंसर। अब 100 से करना है तो 100 के नीचे से ही हमें लिखना होता है। 3 2 6 3 4 12, 1 ऊपर केरी, 3 1 3 3 प्लस 1 4। अब हम इसको ऐड करेंगे इस तरह से, देखिए यहाँ पे 0, यहाँ 4, यहाँ 8 प्लस 6 14, 1 केरी, 2 प्लस 1 3, और ये 4, यानी 43,440। तो अब हम करेंगे प्यारे बच्चों इसमें हम 4 डिजिट नंबर्स को 3 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 1245 मल्टीपल बाय 324। 4 5 20, 2 केरी, 4 4 16 17 18, 1 केरी, 4 2 8 8 प्लस 1 9, 4 1 4। अब उसके बाद 2 से करेंगे, तो 2 5 10, 1 केरी, 2 4 8 8 प्लस 1 9, 2 2 4 2 1 2। अब हम करेंगे इसको 3 से, 3 5 15, 1 केरी, 3 4 12 12 प्लस 1 13, 1 केरी, 3 2 6 6 प्लस 1 7, 3 1 3। यहाँ पे अब हम ऐड करेंगे इसको, 0 8 8 9 प्लस 9 18 19 20 21 22 23, 2 केरी जाएंगे तो 4 प्लस 4 8 9 10 11 12 13, इस पे 1 केरी, 7 8 9 1 10, ये भी केरी, 1 3 प्लस 1 4, यानी
380। तो इस तरह से करना है आपको। पहले हमने किया टू डिजिट को टू डिजिट से, फिर थ्री डिजिट नंबर्स को टू डिजिट नंबर से किया, फिर हमने किया टू डिजिट नंबर्स को थ्री डिजिट नंबर से किया, थ्री डिजिट नंबर्स को थ्री डिजिट नंबर से किया, फिर फोर डिजिट नंबर को थ्री डिजिट नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया। तो इसी तरह से आप लोगों को बाकी भी करने हैं। इसमें आपको और एक सिंपल सा मैं आपको बात समझाऊंगी, जैसे कि इसमें है मल्टीप्लाई 403 बाय 304 है, तो इसको भी आपने बिल्कुल ऐसे ही करना है। यानी इसको है 403 मल्टीपल बाय 304 ऐसे करना है। तो 4 3 12 वन केरी, 400 प्लस 1 1, 4 4 16। उसके बाद हमें करना है 0 से 0 3 0 0 0 0 0 4 0। अब हमें इसको करना है 3 से 3 3 9 3 0 0 3 4 12। तो इनको हमें इस तरह से प्लस करना है, तो ये आ गया यहाँ पे 2 1 9 10 11 12 13 14 15, 1 केरी 1 प्लस केरी वाला 1 2, ये भी 2 और यहाँ पे 1। तो इस तरह से डिटेल में आपको मल्टीप्लिकेशन करने हैं। शुक्रिया, वस्सलाम अलैकुम।